लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल सीमा पर तैनात 39वीं वाहनी एसएसबी के गदनिया स्थित एसएसबी मुख्यालय पर दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में रानीखेत से पहुंचे एसएसबी के उप महानिरीक्षक डीएन भोबे, उनकी पत्नी योगिता भोबे ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी भूमिका निभाई, जहां उनका स्वागत एसएसबी कमांडेंट मुन्ना सिंह के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया। वहीं इस मौके पर एसएसबी मुख्यालय पर 44 सप्ताह से प्रशिक्षण कर रहे दीक्षांत परेड में एसएसबी की वाहनी में कुल 281 नव आरक्षियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट, वेपन हैंडलिंग, फील्ड इंजीनियरिंग, कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चितीकरण, मानव अधिकार और नागरिकों के निजी अधिकारों तथा कर्तव्यों आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही इन प्रशिक्षुओं को विभिन्न प्रकार के छोटे और सभी बड़े हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके द्वारा प्रशिक्षुओं को विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए सक्षम किया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षण अधिकारी सुजीत कुमार, उप कमांडेंट व उप महानिरीक्षक को परेड कर सलामी दी गई, जिसके बाद जानकारी दी गई कि इस पासिंग आउट परेड के अवसर पर 281 इन महारथियों के सैनिक जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। दीक्षांत समारोह में सम्मिलित आरक्षण को मानसिक एवं शारीरिक तौर से हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम बनाया गया है, जो अपनी जिम्मेदारी को निष्ठा से झटका पूरी लगन चिंता से निभाएंगे, जो कि नेपाल देता भूटान के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित अन्य सीमाओं पर तैनात किए जाएंगे। शुभ प्रभात। इस बटालियन के प्रांगण में, जैसा कि आप सबको विदित है कि यह छोटा स्वर्ग है और कई सारी एक्टिविटीज बॉर्डर के जो भारत नेपाल सीमा की 62.9 किलोमीटर की जिम्मेवारी यह बटालियन देख रहा है, उसके साथ साथ पीछे भी कुछ प्रमोशनल कोर्सेज यहाँ चलाई गई हैं। इस बार की जिम्मेवारी में बल मुख्यालय सशस्त्र सीमा बल ने यह जिम्मेवारी दी थी कि हम 308 रिक्रूट्स का ट्रेनिंग यहाँ कंडक्ट करें, जिसके तहत 281 जो रिक्रूट्स आए उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई है आज। और इसके लिए हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री देवीदास नामदेव भोंबे साहब यहाँ आए हैं और उनके मार्गदर्शन में यह परेड बढ़िया ढंग से पूरा हुआ है। सभी प्रशिक्षक इस परेड को बढ़िया ढंग से अपने प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन के हिसाब से उनके गाइडेंस पर पूरा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी जो आप लोग यहाँ आए। यहाँ सशस्त्र सीमा बल की 41वीं वाहिनी में दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। ये पहली BRTC का बैच था, इसमें कमांडेंट मुन्ना सिंह सुपरविजन में जो कार्रवाई की गई है ट्रेनिंग की, वो बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है और सशस्त्र सीमा बल के लिए ये एक गौरवान्वित होने वाला क्षण है, क्योंकि यहाँ 281 प्रशिक्षु जो पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सशस्त्र सीमा बल में शामिल हो रहे हैं। हर किसी फौजी के लिए, हर कोई वर्दीधारी के लिए दीक्षांत परेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेड होती है, दीक्षांत परेड। और ऐसे परेड में मुझे आके बड़ी खुशी हो रही है और मैं सभी प्रशिक्षुओं को, उनके प्रशिक्षकों को और यहाँ पे शामिल अधिकारियों को धन्यवाद और अभिनंदन उनका करना चाहता हूँ।